लाइव कोलकाता, आपकी सोच। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने एक बार फिर से राज्य सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मैंने राज्यपाल के एक शोक को सुना है। उन्होंने कहा है कि बंगाल आज की तारीख में सुरक्षित नहीं है। उन्होंने बताया कि पहले कोलकाता पुलिस भाजपा नेताओं पर रन उन्होंने कहा है कि कोलकाता पुलिस पहले भाजपा के नेताओं पर नजर रखती थी, पर अब संवैधानिक प्रमुख की निगरानी काफी शर्मनाक बात है। चिंता हो रही है और लगातार बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है। इस संबंध में राज्यपाल जी को मैंने अवगत कराया। कल भी आरामबाग में जिस तरीके से झंडा वंदन करने वाले हमारे कार्यकर्ताओं की पीट पीट कर सार्वजनिक रूप से हत्या की, हत्या करना और लोगों में आतंक फैलाना, ये दोनों एक साथ काम चल रहा है। मुझे लगता है कि ये ममता जी के संरक्षण में हो रहा है, सरकार के संरक्षण में हो रहा है और लगातार हिंसा हो रही है। और मुझे ये भी जानकारी मिली कि गवर्नर अभी तक तो हमारे टेलीफोन अवैध रूप से सर्विलांस में थे, पर अब गवर्नर हाउस भी सुरक्षित नहीं है, वहाँ पर भी अगर जासूसी हो रही है तो ये बहुत अफसोस की बात है। और बंगाल ही ऐसा देश के अंदर ऐसा प्रदेश है जहाँ गवर्नर हाउस भी सुरक्षित नहीं है, वहाँ पर भी अवैध रूप से उसकी जासूसी की जा रही है, हमने उसकी भी निंदा। पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में स्थित विश्व भारती यूनिवर्सिटी हमेशा कुछ न कुछ कारणों से सुर्खियों में रहती है। यूनिवर्सिटी में अब एक बार फिर से बवाल शुरू हो गया है। यह बवाल यहां पर मेला ग्राउंड के पास दीवार बनाने को लेकर हो रहा है। यूनिवर्सिटी यहां बाउंड्री वॉल बना रहा है जिसका स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। बवाल बढ़ता ही जा रहा है। उपद्रवी लोगों ने यहां कई ऐतिहासिक ढांचे भी तोड़ दिए हैं। कंस्ट्रक्शन साइट पर पड़े निर्माण के सामान को उठाकर फेंक दिया गया। शांति निकेतन के विश्व भारती यूनिवर्सिटी प्रशासन ने पिछले हफ्ते यूनिवर्सिटी के एक बाउंड्री वॉल का काम शुरू करवाया था। इस बाउंड्री वॉल को लेकर कुछ स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने विरोध के बीच बाउंड्री वॉल का काम शुरू करवा दिया। यह वही जगह है जहां पर विश्व भारती का पौष मेला आयोजित होता था। यूनिवर्सिटी प्रशासन को लोगों ने काम रोकने के लिए कहा, लेकिन काम नहीं रोका गया तो सैकड़ों लोग मौके पर जमा हो गए। बताया जा रहा है कि सभी यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर घुस आए और यहां तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। लोगों ने कैंपस के अंदर बने कई ऐतिहासिक ढांचे तोड़ दिए। कंस्ट्रक्शन के लिए जो ईंट, मोरंग और सीमेंट समेत जो भी निर्माण सामग्री मंगवाई गई थी वह उठाकर ले गए या फेंक दिया गया। लोगों ने यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर जमकर तांडव किया। ऐतिहासिक ढांचे को तोड़ने के लिए जेसीबी का प्रयोग किया गया। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कहा है कि उनकी लगभग 100 बीघा जमीन खुली है, उसी बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया जा रहा था। कुछ स्थानीय लोग जबरन इस जमीन पर कब्जा कर रहे हैं और कई खुली जमीन से यूनिवर्सिटी कैंपस में घुस आते हैं। उन्हें रोकने के लिए यह बाउंड्री वॉल का निर्माण हो रहा था। लाल टूपी
तृणमूल विश्व भारती की जमीन पर करना चाहती है कब्जा। जी हां, कुछ इस तरह का आरोप भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने बुधवार को हावड़ा स्टेशन पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि विश्व भारती की कई भूमि पर पहले से ही कब्जा किया जा चुका है। यह राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी की मदद से हुई है। उन्होंने कहा है कि भूमि हड़पने को रोकने के लिए केंद्र सरकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता है। आपको बता दें, वीरभूम में विश्व भारती की जमीन पर पाचिल उठाने को लेकर काफी बवाल हुआ था। इस संदर्भ में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि विरोध में सभी लोग तृणमूल पार्टी के हैं। হতে পারে স্থানীয় লোক না, যদি স্থানীয় লোক বলেন তাহলে স্থানীয় লোকের বিরোধিতা করতেই পারে। ইউনিভার্সিটির বহু জমি জমি মাফিয়ারা দখল করছে, বাইরের লোক দখল করছে, সেখানে কিন্তু তাদের ইন্ধন আছে। আর এই নেতাদের জমির প্রতি লক্ষ্য আছে বলে তারা এই বিরোধিতা করছেন। সেই জন্য ইউনিভার্সিটির অধিকার আছে তার জমিকে সুরক্ষিত করা। আরও অসুবিধা থাকলে সেটা কথাবার্তার মতো হতে পারে, গায়ের জোর লাগানোটা এটা মোটেই নৈতিক ব্যাপার নয়। অনেকে উপাচার্যের বিরুদ্ধে 188 মামলা দায়ের করেছে। আমি শুনেছি উপাচার্য মামলা করেছেন এই যারা ছিলেন তাদের বিরুদ্ধে, সেটাই হওয়া উচিত। কারণ পুলিশ দেখেছে সব কিছু, এভিডেন্স আছে। উপাচার্য তার জমির উপরে দাঁড়িয়ে তিনি কাজ করেছেন, তার বিরুদ্ধে যদি মামলা হয় তাহলে আমি ধরে নেব এখানে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিরপেক্ষভাবে চলতে পারবে না, সেটা পুরোপুরি টিএমসির পার্টি অভিযোগ। এটা কি বিশ্ববিদ্যালয়ের যে স্বাধিকার তার উপর একটা হস্তক্ষেপ? অবশ্যই, এখানকার রাজ্যের হাতে যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আছে সেগুলো তো টিএমসির পার্টি অফিস হয়ে গেছে। কারণ সেখানকার ভিসিরা গিয়ে শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে ধর্নায় বসেন, টিএমসিপির সঙ্গে। আমার মনে হয় কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি এদের কন্ডিশনে রাজি হচ্ছেন না, তিনি কড়াভাবে বিরোধিতা করেছেন, তাই সুযোগ দিয়ে তাকে হেনস্থা করার চেষ্টা করেন। দিলীপ দা, এটা তো পরিবেশ আদালতে ইনি চিঠি লিখবে? আমি লিখছি না, আমার সঙ্গে কথা হয়েছে কেন্দ্রের নেতাদের সঙ্গে, তারা যা করার করবে। প্রাইম মিনিস্টার নিজে চ্যান্সেলর আছেন, অতএব আমি আশা করব তারা নিশ্চয়ই ব্যবস্থা নেবে। দিলীপ দা, এটা তো পরিবেশ আদালতের একটা রায়, পাঁচিলটা তোলার হচ্ছে। ওদের রায় অনুযায়ী আপনি পাঁচিল তুলতে গেছেন এবং ভাইস চ্যান্সেলর নিজে দাঁড়িয়ে থেকে কাজ করাচ্ছেন। প্রথম বলা হলো নাকি সামাজিক দূরত্ব মানা হয়নি, যারা মিছিল করে গিয়ে ভেঙেছে তারা কোথায় সামাজিক দূরত্ব মেনেছে? যে পার্টি কথা বলছে তারা রোজ মিছিল মিটিং করছে, সেখানে কোথায় সামাজিক দূরত্ব আছে? কেন, যেহেতু মুখ্যমন্ত্রীও বলেছেন ওটা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, আমাদের কোনো দায়িত্ব নাই, অতএব ওটা বন্ধ করে দাও, কেন্দ্রীয় কারখানা বন্ধ করে দাও। এই যে বন্ধ করার রাজনীতি আর বিরোধিতার রাজনীতি বাংলার সর্বনাশ করে। পরিবেশ আদালতে যিনি মামলা করেছেন সুভাষ দত্ত, তার দাবি কোর্ট পাঁচিল তোলার পারমিশন দেয়নি, তাদের কাছে কোনো পারমিশন নেই। তার মধ্যেও দোকান বসানো হয়েছে, যে জমিটা দখল করা সেটা পাঁচিল হচ্ছে। সেই যারা দোকান বসিয়েছে তারা এখন ব্যবসায়ী সমিতি, তারা টিএমসি ঝান্ডার তলায়, তাই টিএমসি তাদের বাঁচাবার চেষ্টা করছে। কারণ সেখানে
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को देर रात करीब 2 बजे दिल्ली स्थित एम्स में भर्ती कराया गया। उन्हें उन प्राइवेट वार्ड में रखा गया है जहां एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। एम्स से मिली जानकारी के मुताबिक वह थकान और शरीर में दर्द महसूस कर रहे थे। एम्स के मीडिया और प्रोटोकॉल विभाग द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार उनकी कोरोना जांच भी की गई, जो कि नेगेटिव आई। वह फिलहाल अस्पताल से ही काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में वह कोरोना संक्रमित पाए गए थे। उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में उनकी जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। अमित शाह ने खुद ट्वीट करके बीते शुक्रवार को इसकी जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था, मेरी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है। मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूं और इस समय जिन लोगों ने मेरे स्वास्थ्य लाभ के लिए शुभकामनाएं देकर मेरा और मेरे परिजनों को ढांढस बंधाया, उन सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। डॉक्टर्स की सलाह पर अभी कुछ और दिनों तक होम आइसोलेशन में रहूंगा। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से लड़ने में मेरी मदद करने वाले और मेरा उपचार करने वाले मेदांता अस्पताल के सभी डॉक्टर्स व पैरामेडिकल स्टाफ का भी आभार व्यक्त करता हूं। हावड़ा के जगाशा थाना अंतर्गत अनसनी सरापाड़ा स्थित एक गद्दे की फैक्ट्री में भयावह आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। पलक झपकते ही सब कुछ जलकर राख हो चुका था। मिली जानकारी के मुताबिक कारखाने में कई सारे गद्दे बनाने के सामान मौजूद थे और काम के दौरान ही ये आग लग गई। खबर मिलते ही मौके पर दमकल की इंजने पहुंची और घंटों मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि पूरी फैक्ट्री जलकर राख हो गई है। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली, पर लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। जगाछा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में लाने की कोशिश की। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। पुलिस का प्राथमिक अनुमान है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी। সেইটা বিভৎস আগুন লেগেছে, অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, পাড়ার ছেলেরাও অনেক চোটচাট পেয়েছে। তারপরে দমকলকে খবর দিই, দমকল অনেক লেটে আসে, জগাধা থানায় খবর দিই, জগাধা থানাও অনেক লেটে আসছে, যদিও ওরা এসে আগুন প্রায় নিব নিব এসছে। তারপরে আপনারা এসে গেছেন, আগের আগেরও সম্পূর্ণ নিবিড়ে কাজ চলছে, দেখতে পাচ্ছেন কাজ চলছে। এই হলো ব্যাপার। আর সাধারণ মানুষ না যদি নাপতো আজকে বিল্ডিংটা বিভৎস হয়ে কাজটা করেছে। আর এখানে প্রচুর ক্ষতি হয়েছে, প্রচুর গদি সব পুড়ে গেছে, উপরের বিল্ডিং তেতে গেছে, উপরের বিল্ডিংয়ে উঠা যাচ্ছে না, কিছু ছেলের পা ভেঙে গেছে, বিশাল আতঙ্ক, হাজার হাজার মানুষ ছিল, তার মধ্যেই ছেলেরা আমাদের ছেলেরা জীবনের রিস্ক নিয়ে। इस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना का आतंक फैला हुआ है। कोरोना योद्धा इस कोरोना को रोकने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, जो दिन ब दिन और भी बढ़ता जा रहा है। कोरोना से संक्रमित होने के बाद भी डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी जान गंवाई है। उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज में देवपुरी में 1000 दीप जलाए गए। उन्हें सम्मान के तौर पर ये दीप जलाए गए, जिन्होंने दुनिया को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। देवपुरी के संस्थापक और रायगढ़ नगर पालिका के वार्ड नंबर 25 के पार्षद आसिम अधिकारी ने कहा है कि इस महामारी से हमें बचाने के लिए उनके सम्मान में देवपुरी मंदिर में 1000 दीप जलाए गए हैं। हम उनका सम्मान करते हैं। আমরা শ্রাবণ মাসের পুণ্যতিথিতে বাবা ভোলেনাথের এখানে সবাই সামাজিক দূরত্ব রেখে জল ঠল ঢেলেছে। এখানে করোনার যুদ্ধে সারাদিকে মহামারী, যে করোনার যে মহামারী সেটা সবারই জানা আছে। সেই সত্ত্বেও মানুষের যে ভক্তরা আসছে তারা তাদের দূরত্ব রেখে প্রতি সোমবার করে জল ঢাকছে, প্রতিদিনই থাকে। এই করোনার মধ্যে নানা করে 22 থেকে 23টি বিবাহ এখানে হয়েছে। আজকে আমরা যুদ্ধকালীন সৈনিকদের অনেক দেখেছি, অনেক সৈনিকরা যখন মারা যায় তাদের জন্য আমরা শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদীপ জ্বালিয়ে আমরা ইয়ে করি। কিন্তু আজকে করোনার যোদ্ধায়, যে করোনার যোদ্ধায় যারা সেবা করতে যায়, যারা প্রাণ হারিয়েছেন, ডাক্তার, সিস্টার,
সাংবাদিক পুলিশ সবাই কর্মী এদের প্রতি আজকে আমরা সেই বাবা ভোলেনাথের কাছে হাজারটি প্রদীপ জ্বালিয়ে তাদের কাছে আমরা শ্রদ্ধাঞ্জলি দিলাম দেবপুরী পরিবারের থেকে। আমাদের যে যুব সমাজ, যে যুব শক্তি, সেই শক্তি আজকে এই সম্পূর্ণ আয়োজন করেছে যে তাদের আত্মার শান্তি করি বাবা ভোলেনাথের কাছে। বিশ্বের জুড়ে আমরা চাই যে এই ভাইরাস এই মোকাবেলা যেন আমাদের মুক্ত করে। যারা আজকে বলিদান দিল, যারা আজকে মৃত্যু বরণ করলো, সেদের দান যেন আমরা দিতে পারি, আমরা যেন সমাজ। माननीय ऊर्जा मंत्री श्री शोभनदेव चट्टोपाध्याय ने पर्यावरण प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए मंगलवार से बैटरी चालित वाहनों का उपयोग शुरू किया। माननीय विद्युत मंत्री उस दिन उस कार में अपने कार्यालय आए। परिवेश दूषण जे आघात से आघात गोटा विश्व मानुष के आज चरम दुर्दशार मध्य नहीं जाए। विश्व परिवेश संक्रांत जो समस्त आलोचना সেখানে সর্বশেষ সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ, সালফারের পরিমাণ কমাতে হবে। সেটা কমাবার একমাত্র উপায় হচ্ছে অল্টারনেটিভ সোর্স অফ এনার্জিকে কাজে লাগানো। তাদের সোলার আছে, হাইড্রেল আছে, এই ধরনের বিদ্যুতের মানে উৎপাদন বাড়ানো সেই কাজের জন্য। আজকে আমি বিদ্যুৎ দপ্তরের মন্ত্রী হিসেবে আমরাও আজকে সেই কাজে নেমে পড়লাম। আমরা পাঁচটি এই বিদ্যুৎ চালিত लाइव कोलकाता आपकी सोच। लाइव कोलकाता आपकी सोच। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने एक बार फिर से राज्य सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मैंने राज्यपाल के एक शोक को सुना है। उन्होंने कहा है कि बंगाल आज की तारीख में सुरक्षित नहीं है। उन्होंने बताया कि पहले कोलकाता पुलिस भाजपा नेताओं पर उन्होंने कहा है कि कोलकाता पुलिस पहले भाजपा के नेताओं पर नजर रखती थी, पर अब संवैधानिक प्रमुख की निगरानी काफी शर्मनाक बात है। हिंसा हो रही है और लगातार बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है। इस संबंध में वहाँ मैंने राज्यपाल जी को मैंने अवगत कराया। कल भी आरामबाग में जिस तरीके से झंडा वंदन करने वाले हमारे कार्यकर्ताओं की पीट पीट कर सार्वजनिक रूप से हत्या की, हत्या करना और लोगों में आतंक फैलाना, ये दोनों एक साथ काम चल रहा है। मुझे लगता है कि ये ममता जी के संरक्षण में हो रहा है, सरकार के संरक्षण में हो रहा है और लगातार हिंसा हो रही है। और मुझे ये भी जानकारी मिली कि गवर्नर अभी तक तो हमारे टेलीफोन अवैध रूप से सर्विलांस में थे, पर अब गवर्नर हाउस भी सुरक्षित नहीं है, वहाँ पर भी अगर जासूसी हो रही है तो ये बहुत अफसोस की बात है। और बंगाल ही ऐसा देश के अंदर ऐसा प्रदेश है जहाँ गवर्नर हाउस भी सुरक्षित नहीं है, वहाँ पर भी अवैध रूप से उसकी जासूसी की जा रही है, हमने उसकी भी निंदा। पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में स्थित विश्व भारती यूनिवर्सिटी हमेशा कुछ न कुछ कारणों से सुर्खियों में रहती है। यूनिवर्सिटी में अब एक बार फिर से बवाल शुरू हो गया है। यह बवाल यहां पर मेला ग्राउंड के पास दीवार बनाने को लेकर हो रहा है। यूनिवर्सिटी यहां बाउंड्री वॉल बना रहा है जिसका स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। बवाल बढ़ता ही जा रहा है। उपद्रवी लोगों ने यहां कई ऐतिहासिक ढांचे भी तोड़ दिए हैं। कंस्ट्रक्शन साइट पर पड़े निर्माण के सामान को उठाकर फेंक दिया गया। शांति निकेतन के विश्व भारती यूनिवर्सिटी प्रशासन ने पिछले हफ्ते यूनिवर्सिटी के एक बाउंड्री वॉल का काम शुरू करवाया था। इस बाउंड्री वॉल को लेकर कुछ स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने विरोध के बीच बाउंड्री वॉल का काम शुरू करवा दिया। यह वही जगह है जहां पर विश्व भारती का पौष मेला आयोजित होता था। यूनिवर्सिटी प्रशासन को लोगों ने काम रोकने के लिए कहा, लेकिन काम नहीं रोका गया तो सैकड़ों लोग मौके पर जमा हो गए। बताया जा रहा है कि सभी यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर घुस आए और यहां तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। लोगों ने कैंपस के अंदर बने कई ऐतिहासिक ढांचे तोड़ दिए। कंस्ट्रक्शन के लिए जो ईंट, ओरंग और सीमेंट समेत जो भी निर्माण सामग्री मंगवाई गई थी वह उठाकर ले गए या फेंक दिया गया। लोगों ने यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर जमकर तांडव किया। ऐतिहासिक ढांचे को तोड़ने के लिए जेसीबी का प्रयोग किया गया। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कहा है कि उनकी लगभग 100 बीघा जमीन खुली है, उसी बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया जा रहा था। कुछ स्थानीय लोग जबरन इस जमीन पर कब्जा कर रहे हैं और कई खुली जमीन से यूनिवर्सिटी कैंपस में घुस आते हैं। उन्हें रोकने के लिए यह बाउंड्री वॉल का निर्माण हो रहा था।
तृणमूल विश्व भारती की जमीन पर करना चाहती है कब्जा। जी हां, कुछ इस तरह का आरोप भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने बुधवार को हावड़ा स्टेशन पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि विश्व भारती की कई भूमि पर पहले से ही कब्जा किया जा चुका है, यह राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी की मदद से हुई है। उन्होंने कहा है कि भूमि हड़पने को रोकने के लिए केंद्र सरकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता है। आपको बता दें, वीरभूम में विश्व भारती की जमीन पर पाचिल उठाने को लेकर काफी बवाल हुआ था। इस संदर्भ में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि विरोध में सभी लोग तृणमूल पार्टी के हैं। ये होते पारे स्थानीय लोग, ना ही स्थानीय लोग बोलें, तारे स्थानीय लोग का विरोधिता करते ही पारे। यूनिवर्सिटी बहु जमी जमी माफिया दखल कर दिए, बाहर लोग दखल कर दिए, सेखाने कि नेता के विधान आछे आर ए नेता दे जमीन प्रति लक्ष्य आछे बोले तारा विरोधिता करछे। सेजन्य यूनिवर्सिटी अधिकार आछे तार जमी के सुरक्षित करा আর অসুবিধা থাকলে সেটা কথাবার্তার মতো হতে পারে, গায়ের জোর লাগানোটা এটা মোটেই নৈতিক ব্যাপার নয়। আপনি যে উপাচার্যের বিরুদ্ধে 188 মামলা দায়ের করেছেন, আমি শুনেছি উপাচার্য মামলা করেছেন এই যারা ছিলেন তাদের বিরুদ্ধে, আর সেটাই হওয়া উচিত। কারণ পুলিশ দেখেছে সব কিছু, এভিডেন্স আছে, উপাচার্য তার জমির উপরে দাঁড়িয়ে তিনি কাজ করেছেন, তার বিরুদ্ধে যদি মামলা হয় তাহলে আমি ধরে নেব এখানে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিরপেক্ষ চলতে পারবে না, সেটা পুরোপুরি টিএমসির পার্টি অভিযোগ। বিশ্ববিদ্যালয়ের যে স্বাধিকার তার উপর একটা হস্তক্ষেপ অবশ্যই,
এখানকার রাজ্যের হাতে যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আছে সেগুলো তো টিএমসির পার্টি অফিস হয়ে গেছে, কারণ সেখানকার ভিসিরা গিয়ে শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে ধর্নায় বসেন টিএমসিপির সঙ্গে। আমার মনে হয় কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি এদের কন্ডিশনে রাজি হচ্ছেন না, তিনি কড়াভাবে বিরোধিতা করেছেন, তাই সুযোগ দিয়ে তাকে হেনস্থা করার চেষ্টা করেন। দিলীপ দা, এটা তো পরিবেশ আদালতে চিঠি লিখবে? আমি লিখছি না, আমার সঙ্গে কথা হয়েছে কেন্দ্রের নেতাদের সঙ্গে, তারা যা করার করবে, প্রাইম মিনিস্টার নিজের চ্যান্সেলর আছেন, অতএব আমি আশা করব তারা নিশ্চয়ই ব্যবস্থা নেবে। দিলীপ দা, এটা তো পরিবেশ আদালতের একটা রায়ে পাঁচিলটা তোলার হচ্ছে, ওদের রায় অনুযায়ী আপনি পাঁচিল তুলতে গেছেন এবং ভাইস চ্যান্সেলর নিজে দাঁড়িয়ে থেকে কাজ করাচ্ছেন। প্রথম বলা হলো নাকি সামাজিক দূরত্ব মানা হয়নি, যারা মিছিল করে গিয়ে ভেঙেছে তারা কোথায় সামাজিক দূরত্ব মেনেছে? যে পার্টি এ কথা বলছে তারা রোজ মিছিল মিটিং করছে, সেখানে কোথায় সামাজিক দূরত্ব আছে? কেন যেহেতু মুখ্যমন্ত্রীও বলেছে ওটা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, আমাদের কোনো দায়িত্ব নেই, অতএব ওটা বন্ধ করে দাও, কেন্দ্রীয় কারখানা বন্ধ করে দাও। এই যে বন্ধ করার রাজনীতি আর বিরোধিতার রাজনীতি বাংলার সর্বনাশ করে। পরিবেশ আদালতের যিনি মামলা করেছেন সুভাষ দত্ত, তার দাবি কোর্ট পাঁচিল তোলার পারমিশন দেয়, তাদের কাছে কোনো পারমিশন নেই। পারমিট যদি পাঁচিল করে থাকে সেটাও অন্যায় করেছে বিশ্বভারত। না না, কোর্ট যদি দেয় বা না দেয়, আমার জমিতে আমি পাঁচিল দেবো তাতে কার কী যায় আছে? ইউনিভার্সিটির জমি, বহু জমি দখল হয়ে গেছে, আমি নিজে দেখে এসেছি, গিয়ে জোরে জমি ছিল সেগুলো হয়ে গেছে, তার মধ্যেও দোকান বসানো হয়েছে, যে জমিটা দখল করা সেটা পাঁচিল হচ্ছে। সেই যারা দোকান বসিয়েছে তারা এখন ব্যবসায়ী সমিতি, তারা টিএমসির ঝান্ডার তলায়, তাই টিএমসি তাদের বাঁচাবার চেষ্টা করছে, কারণ সেখান থেকে। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को देर रात करीब 2 बजे दिल्ली स्थित एम्स में भर्ती कराया गया। उन्हें ओल्ड प्राइवेट वार्ड में रखा गया है, जहां एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। एम्स से मिली जानकारी के मुताबिक वह थकान और शरीर में दर्द महसूस कर रहे थे। एम्स के मीडिया और प्रोटोकॉल विभाग द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार उनकी कोरोना जाँच भी की गयी, जो की नेगेटिव आई। वह फिलहाल अस्पताल से ही काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में वह कोरोना संक्रमित पाए गए थे। उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया, बाद में उनकी जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। अमित शाह ने खुद ट्वीट करके बीते शुक्रवार को इसकी जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था, मेरी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है, मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ और इस समय जिन लोगों ने मेरे स्वास्थ्य लाभ के लिए शुभकामनाएं देकर मेरा और मेरे परिजनों को ढांढस बंधाया, उन सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर्स की सलाह पर अभी कुछ और दिनों तक होम आइसोलेशन में रहूंगा। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से लड़ने में मेरी मदद करने वाले और मेरा उपचार करने वाले मेदांता अस्पताल के सभी डॉक्टर्स व पैरामेडिकल स्टाफ का भी आभार व्यक्त करता हूं। हावड़ा के जगाशा थाना अंतर्गत अनसनी सरापाड़ा स्थित एक गद्दे की फैक्ट्री में भयावह आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। पलक झपकते ही सब कुछ जलकर राख हो चुका था। मिली जानकारी के मुताबिक कारखाने में कई सारे गद्दे बनाने के सामान मौजूद थे और काम के दौरान ही ये आग लग गई। खबर मिलते ही मौके पर दमकल की इंजनें पहुंची और घंटों मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि पूरी फैक्ट्री जलकर राख हो गई है। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली, पर लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। जगाछा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में लाने की कोशिश की। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। पुलिस का प्राथमिक अनुमान है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी। সেইটা বিভৎস আগুন লেগেছে, অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, পাড়ার ছেলেরা অনেক চোটচাট পেয়েছে। তারপরে দমকলকে খবর দিই, দমকল অনেক লেটে আসে, জগাধা থানায় খবর দিই, জগাধা থানাও অনেক লেটে এসছে, যদিও ওরা এসে আগুন প্রায় নিব্বো নিব্বে এসছে। তারপরে আপনারা এসে গেছেন, আগুন এখনও সম্পূর্ণ নিবি নিয়ে কাজ চলছে, দেখতে পাচ্ছেন কাজ চলছে, এই হলো ব্যাপার। আর সাধারণ মানুষ না যদি নাপতো আজকে বিল্ডিংটা বিভৎস হয়ে যায়। সাধারণ মানুষই কাজটা করেছে, আর আর এখানে হয়েছে প্রচুর ক্ষতি হয়েছে, প্রচুর গদি সব পুড়ে গেছে, উপরে বিল্ডিং পেতে গেছে, উপরে বিল্ডিংয়ে উঠা যাচ্ছে না, কিছু ছেলের পা ভেঙে গেছে, বিশাল আতঙ্ক, হাজার হাজার মানুষ ছিল, তার মধ্যেই ছেলেরা, আমাদের ছেলেরা জীবনের রিস্ক নিয়ে। इस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना का आतंक फैला हुआ है। कोरोना योद्धा इस कोरोना को रोकने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, जो दिन ब दिन और भी बढ़ता जा रहा है। कोरोना से संक्रमित होने के बाद भी डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी जान गंवाई है।
उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज में देवपुरी में 1000 दीप जलाए गए। उन्हें सम्मान के तौर पर ये दीप जलाए गए जिन्होंने दुनिया को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। देवपुरी के संस्थापक और रायगढ़ नगर पालिका के वार्ड नंबर 25 के पार्षद आसिम अधिकारी ने कहा है कि इस महामारी से हमें बचाने के लिए उनके सम्मान में देवपुरी मंदिर में 1000 दीप जलाए गए हैं। हम उनका सम्मान करते हैं। আমরা শ্রাবণ মাসে পুণ্যতিথিতে বাবা ভোলেনাথের এখানে সবাই সামাজিক দূরত্ব রেখে জল ঠল ঢেলেছে। এখানে করোনার যোদ্ধা সারাদিকে মহামারী, যে করোনার যে মহামারী সেটা সবারই জানা আছে। সেই সত্ত্বেও মানুষের যে ভক্তরা আসছে তারা তাদের দূরত্ব রেখে প্রতি সোমবার করে জল ঢাকছে, প্রতিদিনই থাকে। এই করোনার মধ্যে নানা করে 22-23টি বিবাহ এখানে হয়েছে। আজকে আমরা যুদ্ধকালীন সৈনিকদের অনেক দেখেছি, অনেক সৈনিকরা যখন মারা যায় তাদের জন্য আমরা শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদীপ জ্বালিয়ে আমরা ইয়ে করি। কিন্তু আজকে করোনার যোদ্ধায়, যে করোনার যোদ্ধা যারা সেবা করতে যেয়ে যারা প্রাণ হারিয়েছেন, ডাক্তার, সিস্টার, সাংবাদিক, পুলিশ, সবাই কর্মী, এদের প্রতি আজকে আমরা সেই বাবা ভোলেনাথের কাছে 1000টি প্রদীপ জ্বালিয়ে তাদের কাছে আমরা শ্রদ্ধাঞ্জলি দিলাম দেবপুরী পরিবারের থেকে। আমাদের যে যুব সমাজ, যে যুব শক্তি, সেই শক্তি আজকে এই সম্পূর্ণ আয়োজন করেছে, যে তাদের আত্মার শান্তি করি বাবা ভোলেনাথের কাছে। বিশ্বের জুড়ে আমরা চাই যে এই ভাইরাস, এই মোকাবেলা যেন আমাদের মুক্ত করে। যারা আজকে বলিদান দিল, যারা আজকে মৃত্যু বরণ করলো, সেদের দান যেন আমরা দিতে পারি, আমরা যেন সমাজ। माननीय ऊर्जा मंत्री श्री शोभनदेव चट्टोपाध्याय ने पर्यावरण प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए मंगलवार से बैटरी चालित वाहनों का उपयोग शुरू किया। माननीय विद्युत मंत्री उस दिन उस कार में अपने कार्यालय आए। परिवेश दूषण जे आघात, से आघात गोटा विश्व मानुष के चरम दुर्दशार मध्य नहीं जा विश्व परिवेश संक्रांत जे समस्त आलोचना मीटिंग है সেখানে সর্বশেষ সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ, সালফারের পরিমাণ কমাতে হবে। সেটা কমাবার একমাত্র উপায় হচ্ছে অল্টারনেটিভ সোর্স অফ এনার্জিকে কাজে লাগানো। তাদের সোলার আছে, হাইড্রেল আছে, এই ধরনের বিদ্যুতের মানে উৎপাদন বাড়ানো, সেই কাজের জন্য আজকে আমি বিদ্যুৎ দপ্তরের মন্ত্রী হিসেবে আমরাও আজকে সেই কাজে নিয়ে বললাম। আমরা 5-5টি এই বিদ্যুৎ চালিত लाइव कोलकाता, आपकी सोच लाइव कोलकाता, आपकी सोच। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने एक बार फिर से राज्य सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मैंने राज्यपाल के एक क्षोभ को सुना है। उन्होंने कहा है कि बंगाल आज की तारीख में सुरक्षित नहीं है। उन्होंने बताया कि पहले कोलकाता पुलिस भाजपा नेताओं पर उन्होंने कहा है कि कोलकाता पुलिस पहले भाजपा के नेताओं पर नजर रखती थी, पर अब संवैधानिक प्रमुख की निगरानी काफी शर्मनाक बात है। हिंसा हो रही है और लगातार बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है। संबंध में वहाँ में राज्यपाल जी से मैंने अवगत कराया। कल भी आरामबाग में जिस तरीके से झंडा वंदन करने वाले हमारे कार्यकर्ताओं की पीट पीट कर सार्वजनिक रूप से हत्या की, हत्या करना और लोगों में आतंक फैलाना, ये दोनों एक साथ काम चल रहा है। मुझे लगता है कि ये ममता जी के संरक्षण में हो रहा है, सरकार के संरक्षण में हो रहा है और लगातार हिंसा हो रही है। और मुझे ये भी जानकारी मिली कि गवर्नर अभी तक तो हमारे टेलीफोन अवैध रूप से सर्विलांस में थे, पर अब गवर्नर हाउस भी सुरक्षित नहीं है, वहाँ पर भी अगर जासूसी हो रही है तो बहुत अफसोस की बात है। और बंगाल ही ऐसा देश के अंदर ऐसा प्रदेश है जहाँ गवर्नर हाउस भी सुरक्षित नहीं है, वहाँ पर भी अवैध रूप से उसकी जासूसी की जा रही है, हमने उसकी भी निंदा। पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में स्थित विश्व भारती यूनिवर्सिटी हमेशा कुछ न कुछ कारणों से सुर्खियों में रहती है। यूनिवर्सिटी में अब एक बार फिर से बवाल शुरू हो गया है।
यह बवाल यहां पर मेला ग्राउंड के पास दीवार बनाने को लेकर हो रहा है। यूनिवर्सिटी यहां बाउंड्री वॉल बना रहा है, जिसका स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। बवाल बढ़ता ही जा रहा है। उपद्रवी लोगों ने यहां कई ऐतिहासिक ढांचे भी तोड़ दिए हैं। कंस्ट्रक्शन साइट पर पड़े निर्माण के सामान को उठाकर फेंक दिया गया। शांति निकेतन के विश्व भारती यूनिवर्सिटी प्रशासन ने पिछले हफ्ते यूनिवर्सिटी के एक बाउंड्री वॉल का काम शुरू करवाया था। इस बाउंड्री वॉल को लेकर कुछ स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने विरोध के बीच बाउंड्री वॉल का काम शुरू करवा दिया। यह वही जगह है जहां पर विश्व भारती का पौष मेला आयोजित होता था। यूनिवर्सिटी प्रशासन को लोगों ने काम रोकने के लिए कहा, लेकिन काम नहीं रोका गया तो सैकड़ों लोग मौके पर जमा हो गए। बताया जा रहा है कि सभी यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर घुस आए और यहां तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। लोगों ने कैंपस के अंदर बने कई ऐतिहासिक ढांचे तोड़ दिए। कंस्ट्रक्शन के लिए जो ईंट, ओरंग और सीमेंट समेत जो भी निर्माण सामग्री मंगवाई गई थी वह उठाकर ले गए या फेंक दिया गया। लोगों ने यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर जमकर तांडव किया। ऐतिहासिक ढांचे को तोड़ने के लिए जेसीबी का प्रयोग किया गया। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कहा है कि उनकी लगभग 100 बीघा जमीन खुली है, उसी बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया जा रहा था। कुछ स्थानीय लोग जबरन इस जमीन पर कब्जा कर रहे हैं और कई खुली जमीन से यूनिवर्सिटी कैंपस में घुस आते हैं। उन्हें रोकने के लिए यह बाउंड्री वॉल का निर्माण हो रहा था। Thank you.
विश्व भारती की जमीन पर करना चाहती है कब्जा। जी हां, कुछ इस तरह का आरोप भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने बुधवार को हावड़ा स्टेशन पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि विश्व भारती की कई भूमि पर पहले से ही कब्जा किया जा चुका है, यह राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी की मदद से हुई है। उन्होंने कहा है कि भूमि हड़पने को रोकने के लिए केंद्र सरकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता है। आपको बता दें, वीरभूम में विश्व भारती की जमीन पर पाचिल उठाने को लेकर काफी बवाल हुआ था। इस संदर्भ में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि विरोध में सभी लोग तृणमूल पार्टी के हैं। ये होते पारे स्थानीय लोग, ना ही स्थानीय लोग बोलें, तारे स्थानीय लोग का विरोधिता करते ही पारे। यूनिवर्सिटी बहु जमी जमी माफियार दखल कर दिए, बाहर लोग दखल कर दिए, सेखाने के नेता भी निधन आछे, और ये नेता भी जमीन प्रति रक्त आछे बोले तारा विरोधिता करछे। सेजन्य यूनिवर्सिटी अधिकार आछे तार जमी के सुरक्षित करा, और असुविधा थाकले सेटा कथाबार्तार मतो होते पारे। गायेर जोर लागानोटा एटा मोटेई नैतिक ब्यापार नय। अगेते उपाचार्यर बिरुद्धे 188 जे मामला दायर करेछे, আমি শুনেছি উপাচার্য মামলা করেছেন এই যারা ছিলেন তাদের বিরুদ্ধে, সেটাই হওয়া উচিত। কারণ পুলিশ দেখেছে সব কিছু, এভিডেন্স আছে, উপাচার্য তার জমির উপরে দাঁড়িয়ে তিনি কাজ করেছেন, তার বিরুদ্ধে যদি মামলা হয় তাহলে আমি ধরে নেব এখানে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিরপেক্ষ চলতে পারবে না, সেটা পুরোপুরি টিএমসির পার্টি অভিযোগ। এটা কি বিশ্ববিদ্যালয়ের যে স্বাধিকার তার উপর একটা হস্তক্ষেপ? অবশ্যই, এখানকার রাজ্যের হাতে যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আছে সেগুলো তো টিএমসির পার্টি অফিস হয়ে গেছে। কারণ সেখানকার ভিসিরা গিয়ে শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে ধর্নায় বসেন, টিএমসিপির সঙ্গে। আমার মনে হয় কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি এদের কন্ডিশনে রাজি হচ্ছেন না, তিনি কড়াভাবে বিরোধিতা করেছেন, তাই সুযোগ দিয়ে তাকে হেনস্থা করার চেষ্টা করছেন। দিলীপ দা, এটা তো পরিবেশ আদালতে এনে চিঠি লিখবে? আমি লিখছি না, আমার সঙ্গে কথা হয়েছে কেন্দ্রের নেতাদের সঙ্গে, তারা যা করার করবে। প্রাইম মিনিস্টার নিজে চ্যান্সেলর আছেন, অতএব আমি আশা করব তারা নিশ্চয়ই ব্যবস্থা নেবে। দিলীপ দা, এটা তো পরিবেশ আদালতের একটা রায়ে পাঁচিলটা তোলার হচ্ছিল। অবশ্যই, রায় অনুযায়ী আপনি পাঁচিল তুলতে গেছেন এবং ভাইস চ্যান্সেলর নিজে দাঁড়িয়ে থেকে কাজ করাচ্ছে। প্রথম বলা হলো নাকি সামাজিক দূরত্ব মানা হয়নি, যারা মিছিল করে গিয়ে ভেঙেছে তারা কোথায় সামাজিক দূরত্ব মেনেছে? যে পার্টি কথা বলছে তারা রোজ মিছিল মিটিং করছে, সেখানে কোথায় সামাজিক দূরত্ব আছে? কেন, যেহেতু মুখ্যমন্ত্রীও বলেছেন ওটা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, আমাদের কোনো দায়িত্ব নাই, অতএব ওটা বন্ধ করে দাও, কেন্দ্রীয় কারখানা বন্ধ করে দাও। এই যে বন্ধ করার রাজনীতি আর বিরোধিতার রাজনীতি বাংলার সর্বনাশ করে। পরিবেশ আদালতে যিনি মামলা করেছেন সুভাষ দত্ত, তার দাবি কোর্ট পাঁচিল তোলার পারমিশন দেয়নি, তাদের কাছে কোনো পারমিশন নেই। যদি পাঁচিল করে থাকে সেটাও অন্যায় করেছে বিশ্বভারতী। না না, কোর্ট যদি দেয় বা না দেয়, আমার জমিতে আমি পাঁচিল দেবো তাতে কার কী যায় আছে? ইউনিভার্সিটির জমি, বহু জমি দখল হয়ে গেছে, আমি নিজে দেখে এসেছি, গিয়ে জোরে জমি ছিল সেগুলো হয়ে গেছে, তার মধ্যেও দোকান বসানো হয়েছে, যে জমিটা দখল করা সেটা পাঁচিল হচ্ছে। সেই যারা দোকান বসিয়েছে তারা এখন ব্যবসায়ী সমিতি, তারা টিএমসির ঝান্ডার তলায়, তাই টিএমসি তাদের বাঁচাবার চেষ্টা করছে, কারণ সেখান থেকে। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को देर रात करीब 2 बजे दिल्ली स्थित एम्स में भर्ती कराया गया। उन्हें ओल्ड प्राइवेट वार्ड में रखा गया है, जहां एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। एम्स से मिली जानकारी के मुताबिक वह थकान और शरीर में दर्द महसूस कर रहे थे। एम्स के मीडिया और प्रोटोकॉल विभाग द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार उनकी कोरोना जाँच भी की गयी, जो की नेगेटिव आई। वह फिलहाल अस्पताल से ही काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में वह कोरोना संक्रमित पाए गए थे। उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया, बाद में उनकी जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। अमित शाह ने खुद ट्वीट करके बीते शुक्रवार को इसकी जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था, मेरी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है, मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ और इस समय जिन लोगों ने मेरे स्वास्थ्य लाभ के लिए शुभकामनाएं देकर मेरा और मेरे परिजनों को ढांढस बंधाया, उन सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर्स की सलाह पर अभी कुछ और दिनों तक होम आइसोलेशन में रहूंगा। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से लड़ने में मेरी मदद करने वाले और मेरा उपचार करने वाले मेदांता अस्पताल के सभी डॉक्टर्स व पैरामेडिकल स्टाफ का भी आभार व्यक्त करता हूं। हावड़ा के जगाशा थाना अंतर्गत अनसनी सरापाड़ा स्थित एक गद्दे की फैक्ट्री में भयावह आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। पलक झपकते ही सब कुछ जलकर राख हो चुका था। मिली जानकारी के मुताबिक कारखाने में कई सारे गद्दे बनाने के सामान मौजूद थे और काम के दौरान ही ये आग लग गई। खबर मिलते ही मौके पर दमकल की इंजने पहुंची और घंटों मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि पूरी फैक्ट्री जलकर राख हो गई है। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली, पर लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। जगाछा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में लाने की कोशिश की। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। पुलिस का प्राथमिक अनुमान है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी।
সেইটা বিভৎস আগুন লেগেছে, অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, পাড়ার ছেলেরা অনেক চোটচাট পেয়েছে। তারপরে দমকলকে খবর দিই, দমকল অনেক লেটে আসে, যোগাযোগ থানায় খবর দিই, যোগাযোগ থানাও অনেক লেটে আসছে, যদিও ওরা এসে আগুন প্রায় নিব নিব এসছে। তারপরে আপনারা এসে গেছেন, আগান আগানো সম্পূর্ণ নিবি নিয়ে কাজ চলছে, দেখতে পাচ্ছেন কাজ চলছে। এই হলো ব্যাপার। আর সাধারণ মানুষ না যদি নামতো আজকে বিল্ডিংটা বিভৎস হয়ে যেত। সাধারণ মানুষই কাজটা করেছে। আর এখানে কী হয়েছে, প্রচুর ক্ষতি হয়েছে, প্রচুর গদি সব পুড়ে গেছে, উপরে বিল্ডিং কেটে গেছে, উপরে বিল্ডিংয়ে উঠা যাচ্ছে না, কিছু ছেলের পা ভেঙে গেছে, আতঙ্ক ছিল, বিশাল আতঙ্ক, হাজার হাজার মানুষ ছিল, তার মধ্যেই ছেলেরা, আমাদের ছেলেরা জীবনের রিস্ক নিয়ে। इस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना का आतंक फैला हुआ है। कोरोना योद्धा इस कोरोना को रोकने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, जो दिन ब दिन और भी बढ़ता जा रहा है। कोरोना से संक्रमित होने के बाद भी डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी जान गंवाई है। उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज में देवपुरी में 1000 दीप जलाए गए। उन्हें सम्मान के तौर पर ये दीप जलाए गए, जिन्होंने दुनिया को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। देवपुरी के संस्थापक और रायगढ़ नगर पालिका के वार्ड नंबर 25 के पार्षद आसिम अधिकारी ने कहा है कि इस महामारी से हमें बचाने के लिए उनके सम्मान में देवपुरी मंदिर में 1000 दीप जलाए गए हैं। हम उनका सम्मान करते हैं। আমরা শ্রাবণ মাসে পুণ্যতিথিতে বাবা ভোলেনাথের এখানে সবাই সামাজিক দূরত্ব রেখে জল ঠল ঢেলেছে। এখানে করোনার যোদ্ধা সারাদিকে মহামারী, যে করোনার যে মহামারী সেটা সবারই জানা আছে, সেই সত্ত্বেও মানুষের যে ভক্তরা আসছে তারা তাদের দূরত্ব রেখে প্রতি সোমবার করে জল ঢাকছে, প্রতিদিনই থাকে। এই করোনার মধ্যে নানা করে 22-23টি বিবাহ এখানে হয়েছে। আজকে আমরা যুদ্ধকালীন সৈনিকদের অনেক দেখেছি, অনেক সৈনিকরা যখন মারা যায় তাদের জন্য আমরা শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদীপ জ্বালিয়ে আমরা ই করি। কিন্তু আজকে করোনার যোদ্ধায়, যে করোনার যোদ্ধা যারা সেবা করতে যেয়ে যারা প্রাণ হারিয়েছেন, ডাক্তার, সিস্টার, সাংবাদিক, পুলিশ, সাফাই কর্মী, এদের প্রতি আজকে আমরা সেই বাবা ভোলেনাথের কাছে 1000টি প্রদীপ জ্বালিয়ে তাদের কাছে আমরা শ্রদ্ধাঞ্জলি দিলাম। যে পুরী পরিবারের থেকে আমাদের যে যুব সমাজ, যে যুব শক্তি, সেই শক্তি আজকে এই সম্পূর্ণ আয়োজন করেছে, আয়োজন করেছে যে তাদের আত্মার শান্তি করি বাবা ভোলেনাথের কাছে। বিশ্বের জুড়ে আমরা চাই যে এই ভাইরাস এই মোকাবেলা যেন আমাদের মুক্ত করে। যারা আজকে বলিদান দিল, যারা আজকে মৃত্যু বরণ করলো, সেদের দান যেন আমরা দিতে পারি, আমরা যেন সমাজ। माननीय ऊर्जा मंत्री श्री शोभनदेव चट्टोपाध्याय ने पर्यावरण प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए मंगलवार से बैटरी चालित वाहनों का उपयोग शुरू किया। माननीय विद्युत मंत्री उस दिन उस कार में अपने कार्यालय आए। परिवेश दूषण जे आघात, से आघात गोटा विश्व मानुष के आज चरम दुर्दशार मध्य नहीं जाए। विश्व परिवेश संक्रांत जे समस्त आलोचना मीटिंग है সেখানে সর্বশেষ সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ, সালফারের পরিমাণ কমাতে হবে। সেটা কমাবার একমাত্র উপায় হচ্ছে অল্টারনেটিভ সোর্স অফ এনার্জিকে কাজে লাগানো। তাতে সোলার আছে, হাইড্রেল আছে, এই ধরনের বিদ্যুতের মানে উৎপাদন বাড়ানো, সেই কাজের জন্য আজকে আমি বিদ্যুৎ দপ্তরের মন্ত্রী হিসেবে আমরাও আজকে সেই কাজে নিয়ে বললাম। আমরা 5-5টি এই বিদ্যুৎ চালিত लाइव कोलकाता, आपकी सोच